मैं संजय राय, मनरेगा मजदूर कल्याण संगठन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज किस लिए को लेकर वो मार्च निकाल लेंगे? देखिए, आज ये मार्च हमने निकाला है, यह मजदूरों के जो मजाक उड़ाई जा रही है सरकार के द्वारा, हम उसके खिलाफ यह मार्च निकाले हैं। आज श्रम जो हमारे सरकार का एक योजना है, श्रम विभाग के तहत यह निर्देश दिया गया है कि जो श्रमिक हैं, जो अकुशल श्रमिक हैं, उनको 489 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन हमारे मजदूरों के साथ, जो मनरेगा के तहत जितने भी मजदूर रजिस्टर्ड हैं, उनके साथ मजाक किया गया है। 174 रुपये इनकी मजदूरी है, 100 दिन इनको रोज़गार देने की बात कही जाती है। हम आप मीडिया के माध्यम से हम सरकार को यह बताना चाहते हैं कि 365 दिन में अगर 100 दिन हम इन्हें रोज़गार देते हैं और 489 रुपये के बजाय हम इन 174 रुपये अगर हम मजदूरी देते हैं, तो यह कहीं ना कहीं चोरी करने का काम करेंगे, डकैती डालने का काम करेंगे। हम सरकार से यह गुजारिश करते हैं कि कम से कम ऐसा उनको रोज़गार दिया जाए। हम ये नहीं कहते कि उनको खेती में ही लगा दिया जाए, इनके तमाम तरीके उद्योग हैं, तमाम तरीके रोज़गार हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो काम को करें। और एक हमारे तरफ से योजना संचालित है, चौमुखी शिक्षा मिशन एवं औद्योगिक प्रशिक्षण महिला विकास योजना। हमारी मांग है इस चौमुखी शिक्षा मिशन को इन ग्रामीण मजदूरों तक यह पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, उसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। इसमें जो 365 दिन इनका रोज़गार है, लेकिन इन्हें दिया जाता है 100 दिन, हम गुजारिश करते हैं कि कम से कम 300 दिन इन्हें रोज़गार दिया जाए। 174 रुपये के बजाय इन्हें कम से कम 500 रुपये मजदूरी दी जाए, ताकि ये अपनी भरण पोषण कर सकते हैं। यहीं आपके नगर निगम के अंतर्गत तमाम ऐसे ठेके पर मजदूर लगे हैं जो माली का काम करते हैं और सफाई कर्मी भी हैं, वो भी हमारे मेंबर हैं। और इनका ये आप देख लीजिए, 184 रुपये उन्हें भुगतान किया जाता है, जबकि यह एकदम अन्याय है और यह सरकार के एक अंग में काम करते हैं। हमारी मांग है कि इन्हें भी एक जो 489 रुपये का मानक है, इसके तहत इनको मजदूरी दी जाए।